हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डेट मीन्स एडीआर का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट से अगर आपने डीएलओ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर किसी और लॉ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं जो आप सभी को पढ़ना भी होता है। तो आज हम इस वीडियो में अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, और जो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। साथ में अगर आपने डीएलओ एग्जाम के लिए अप्लाई किया है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। और अगर आपने प्लेलिस्ट डेट मीन्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो एमपी डीएलओ एग्जाम के नाम से है, वहां पर जाकर आप सारे जो भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर या फिर जो अदर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर रखा है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। साथ में मैं आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से भी डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन है, विच आर दी करेक्ट मेथड्स ऑफ ए डी आर, डेट मीन्स करेक्ट मेथड क्या है ए डी आर का। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेट मीन्स आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कॉन्सिलेशन एंड मेडिएशन। ये चार मेथड होता है ए डी आर का प्रॉपर वे। सेकेंड क्वेश्चन है विच आर दी करेक्ट एडवांटेजेस ऑफ नेगोशिएशन, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट्स क्विक, चीप प्रोसेस एंड प्राइवेसी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर नॉट रिफर टू आर्बिट्रेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैट्रिमोनियल मैटर्स, डेट मीन्स जो भी मैटर्स आते हैं आर्बिट्रेशन में, मैट्रिमोनियल मैटर्स को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट्स दी सिमिलरिटी विथ मेडिएशन एंड कॉन्सिलेशन, तो ये दोनों में क्या सिमिलरिटी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दे बोथ यूज अ मैसेंजर, डेट मीन्स मैसेंजर के तौर पे एक तरीके से ये मैसेंजर का वर्क दोनों काम करता है, मेडिएशन और कॉन्सिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स एंड आर्बिट्रेटर रोल्स, डेट मीन्स आर्बिट्रेटर्स का रोल क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक्ट्स लाइक अ जज, तो जो भी आर्बिट्रेटर्स इसमें रहते हैं उनका जो एक्ट होता है वो जज की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन नंबर, विच आर दी करेक्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन, तो यहाँ पर क्या डिसएडवांटेजेस है आर्बिट्रेशन का। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फीस एक्सपेंसिव, लीगल पॉइंट डिले एंड लिमिटेड अपील। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फी है एक्सपेंसिव होगा, इसमें लीगल पॉइंट डिले होता है और लिमिटेड अपील भी है, तो ये डिसएडवांटेज है आर्बिट्रेशन का। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट डज एडीआर एक्चुअली स्टैंड फॉर, डेट मीन्स एडीआर का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, द टर्म इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इज डिफाइंड अंडर, तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन डिफाइंड कौन सा सेक्शन में है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्शन टू क्लॉज एफ के अंतर्गत इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट नाइन है, द टर्म आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कम्स अंडर, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कौन सा चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चैप्टर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन, द एडीआर मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया मेनली कंप्रोमाइज ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कॉन्सिलेशन एंड नेगोशिएशन। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्बिट्रेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एन एडजुकेटिव प्रोसेस वेयर द पार्टीज सबमिट देयर डिस्प्यूट फॉर अ बाइंडिंग डिसीजन टू एन इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है, ए कॉन्सिलेटर इज अपॉइंटेड, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ए डी आर द इशू इज, ऑप्शन है यहाँ पर ए बी सी डी, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एग्रीड अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द मेडिएटर इज, तो मेडिएटर यहाँ पर क्या रहता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फैसिलिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
हाउ मेनी आर्बिट्रेटर्स आर नॉर्मली अपॉइंटेड बाय द पार्टीज इन एन आर्बिट्रेशन? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स प्रोवाइडेड डेट सच नंबर शैल नॉट बी इवन नंबर। डेट मीन्स जो भी पार्टीज है वो फ्री है वहाँ आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करने के लिए, और ये जो नंबर है इवन नंबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन एप्लीकेबल टू पार्ट टू ऑफ द एक्ट? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बोथ द एबव ए एंड बी, डेट मीन्स न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द चेयरपर्सन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अंडर? तो ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी डी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 43 सी क्लाउज 1 सब क्लाउजेस ए, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कम्पिटेंट टू अपॉइंट एन एक्सपर्ट इन सर्टेन केसेस? तो ऑप्शन है यहाँ पर ए बी ऑप्शन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कमेटी फॉर इम्प्लांटिंग लीगल एड स्कीम सी आई एल ए एस 1980 इज रिप्लेस्ड बाई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा इस इम्प्लीमेंटिंग कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम को हटाया गया था, रिप्लेस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज़ नो ज्यूरिडिक्शन टू इशू? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाइंडिंग अप ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट मस्ट बी फाइल्ड बाई अ डिफेंडेंट टू द सूट? तो यहाँ पर ऑप्शन चार दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिफोर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट टू द सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, एन इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन बी मेड बिफोर द कोर्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वनली बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रर्स आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू जुरिडिक्शन इन डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पार्टीज कैन चूज अ प्लेस ऑफ जुरिडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डोमेस्टिक आर्बिट्रल अवार्ड इज गवर्न बाई? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 36। क्वेश्चन 25 है, आर्बिट्रेशन इज अ लीगल प्रोसेस, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, डिफरेंस रिलेटिंग टू देयर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, एडवांटेज ऑफ आर्बिट्रेशन, तो एडवांटेज क्या है आर्बिट्रेशन का? लेस टाइम कंज्यूमिंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये लेस टाइम जो है कंज्यूम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, एडीआर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिड्यूसिंग द बर्डन? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर होगा अपॉन कोर्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, नेगोशिएशन इज अ प्रोसीड्योर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नॉन बाइंडिंग प्रोसीड्योर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, लोक अदालत बेसिकली मीन्स? तो करेक्ट आंसर होगा पीपल्स कोर्ट, डेट मीन्स लोक अदालत का मीन जो होता है पीपल का कोर्ट होता है, डेट मीन्स लोगों के लिए वो सिर्फ कोर्ट होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द पावर ऑफ कोर्ट टू रिफर पार्टीज फॉर आर्बिट्रेशन वुड एंड मस्ट नेसेसरली इंक्लूड इम्प्लाई एंड इनहेयर इन इट? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द पावर एंड जुरिडिक्शन टू एडवाइज द पार्टीज। 31 है, ए सम डायरेक्टेड टू बी पेड बाई एन आर्बिट्रल अवार्ड शेल कैरी इंटरेस्ट? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड टिल द डेट ऑफ द पेमेंट। डेट मीन्स जो भी आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है उसमें जो इंटरेस्ट होता है जब वो स्टार्ट होता है तब से लेकर अवार्ड जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक पर एनम 18% लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, संजय एंड मोहित पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म मेक एन एग्रीमेंट इन राइटिंग टू रिफर अ डिस्प्यूट बिटवीन देम इन बिजनेस टू एन आर्बिट्रेटर। इन स्पाइट ऑफ दिस एग्रीमेंट संजय फाइल्स अ सूट अगेंस्ट मोहित रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट इन अ कोर्ट विथ रिगार्ड टू एबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द कोर्ट डज नॉट हैज ज्यूरिडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33, कॉन्सिलेटर वुड इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट इन टू द डिस्प्यूट एंड ड्राफ्ट हिज रिपोर्ट इंडिकेटिंग द मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, द कंसिलेटर वुड टेक हेल्प फ्रॉम द डिस्प्यूटिंग पार्टीज ऑन द सेटलमेंट ऑफ द मेथड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, द अवार्ड मेड बाई लोक बाय द लोक अदालत। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इज डीम्ड टू बी अ डिग्री ऑफ द सिविल कोर्ट लाइक आर्बिट्रेशन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कमेंस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑन द डेट ऑन विच अ रिक्वेस्ट फॉर अ डिस्प्यूट टू बी रिफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसिप्ड बाय द रिस्पोंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, एन आर्बिट्रल अवार्ड। तो एन आर्बिट्रल अवार्ड क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैज़ टू बी इन राइटिंग एंड साइन बाय दी मेंबर्स ऑफ दी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 37, आफ्टर दी आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड ईच पार्टी सेल वी डिलीवर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अ साइंड कॉपी ऑफ दी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम डायरेक्टेड टू बी पेड बाई एन आर्बिट्रल अवार्ड सेल कैरी इंटरेस्ट ऑफ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मैंने बताया ही था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 18% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड टिल द डेट ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, इन केस ऑफ द थ्री आर्बिट्रेटर्स द थर्ड आर्बिट्रेटर सेल एक्ट एज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अ प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर आर्बिट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट कवर्ड बाय दोज एक्ट्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इजमेंट एक्ट 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग अ पार्टी टू द डिस्प्यूट शैल नॉट इनिशिएट एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉर प्रिजर्विंग हिज राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, इन पार्ट वन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 नो जुडिशियल ऑथोरिटी सेल इंटरवेन विथ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग एक्सेप्ट। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, फॉर सेटिंग एसाइड एन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, विच टाइप ऑफ केसेस आर नॉट डील्ड बाई लोक अदालत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस। डेट मीन्स जो लोक अदालत के द्वारा है वो नन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस जो है, इस टाइप का केसेस को डील नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकोर्स टू अ कोर्ट अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड मे बी मेड ओनली इफ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अ पार्टी वॉज अनेबल टू प्रेजेंट हिज केस। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इन दी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 कॉन्सिलेशन इज कवर्ड इन। तो ऑप्शन थ्री करेक्ट होगा, पार्ट थ्री ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड वेयर अ पर्सन फैसिलिटेट्स पार्टीज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन आइडियाज एंड पॉसिबल अल्टरनेटिव सोल्यूशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, मेडिएशन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ए मेडिएटर शुड नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्री जुडाइस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन नॉट बी रिफर टू ADR। तो क्रिमिनल केसेस, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन टू होगा, इट वुड बी अ गुड आइडिया टू इंक्लूड अ मेडिएशन क्लाउज सो डेट द डिस्प्यूट कुड बी रिजॉल्व क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, द नंबर ऑफ कॉन्सिलेटर्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टी सेल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू बी, इवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी असिस्ट द डिस्प्यूटिंग पार्टीज इन रीचिंग अ सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू, मेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिएशन इज नॉट। तो ऑप्शन थ्री करेक्ट होगा, रिकॉग्नाइज्ड एज एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स अप्रूव्ड बाय लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग कम टू एन एंड व्हेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, द सेटलमेंट एग्रीमेंट साइंड बाय द पार्टीज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, पार्ट वन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 अप्लाइज वेयर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, एन आर्बिट्रल अवार्ड मेड अंडर पार्ट वन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 शैल बी कंसिडर्ड एज अ। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डोमेस्टिक अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैटर्स गवर्न्ड बाय पार्ट वन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, अ जुडिशियल अथॉरिटी कैन नॉट इंटरवेन एक्सेप्ट वेयर सो प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कमेंस ऑन द डेट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑन द डेट ऑन विच अ रिक्वेस्ट फॉर अ डिस्प्यूट टू बी रिफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द रिस्पोंडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, द प्रोविजन्स ऑफ 1996 एक्ट हैव टू इंटरप्रेटेड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड अन इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग अंडर 1940 एक्ट। द ऑब्जर्वेशन वाज लेड डाउन इन, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सुदाम फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस NEPC इंडिया लिमिटेड ईयर 1919, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैलिडिटी ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स स्पेसिफाइड देयर इन, एज द एक्ट डज नॉट सजेस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स फॉर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट दिस वॉज लेड डाउन इन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, MMTC लिमिटेड वर्सेस स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ईयर 1997। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को करवाया है, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ था, और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है तो ये सब क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। और एक बार जो भी मैंने ये क्वेश्चन अगर आपको बताया है, इसे आप सारे क्वेश्चन सही से देख लीजिए, और जो भी DLO के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है प्लेलिस्ट में, आप जाकर चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। साथ में इसी तरीके से लॉ वैकेंसी अपडेट और लॉ से रिलेटेड सारे वीडियो अपडेट जानने के लिए स्टडी विथ मी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के थ्रू शेयर भी करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।